वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज हम मैं इधर पे पारुल की मेरी एरो मॉडलिंग लैब में आया हूँ और आज मैं एक बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। एक्चुअली कंपटीशन आ रही है हमारे कॉलेज में, तो हम लोग उसके लिए एक एयरप्लेन डिजाइन करते हैं, तो मैं आपको भी बताता हूँ कि कैसे एक एयरप्लेन को बनाया जाता है, तो स्टे ट्यून्ड विद मी। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं सेली 7005 एयरफॉइल यूज करने वाला हूँ और उसको मैं कट करके मैं इसे ये स्पार पे कुछ ऐसे इधर पे लगा दूंगा और उसके बाद बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रिब्स को इस पीवीसी शीट से मैं कट कर दूंगा और उसको इसके इस स्पार के ऊपर लगा दूंगा। और मैं कुछ सोच रहा हूँ कि इसका डेढ़ मीटर का कुछ विंग स्पान बनाऊंगा। तो चलिए अभी इसे फटाफट कट करते हैं और इसको लगाने का प्रोसेस चालू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने इधर पे एक स्पार के लिए छोटा सा बॉक्स शेप कट कर लिया है और उसके बाद मैंने इसको डायरेक्टली इस स्पार पे चिपका दिया है। आप देख सकते हैं मैंने इसको पूरा स्पार पे चिपका दिया है यूजिंग फेविक्विक। मैंने फेविक्विक यूज किया है क्योंकि ये पीवीसी शीट है, बट अगर फोम शीट है तो आप इसको ग्लूगन से भी चिपका सकते हैं। अब इस पे हम लोग करेंगे फोम शीट का कवरिंग। हम इस पूरे स्ट्रक्चर पे इस फोम शीट का कोटिंग करेंगे। ये 2 mm की स्टायरोफोम शीट है और इसके ऊपर हम लोग ने टेप का कवरिंग किया हुआ है जिससे ये आराम से बिना टूटे बेंड हो सके। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर इसका कवरिंग कर लिया है ग्लू गन से और एकदम मस्त शेप में आ रहा है। अभी आधा बाकी है, उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे।
जाजा डे टू, और हमारा वो पुराना एक विंग था जिसको हमने रिप से कवर किया था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी मैं एक और नया विंग बना रहा हूँ जिसके लिए मैं एक बहुत ही नई टेक्निक यूज करने वाला हूँ, और मैं आपको बताता हूँ मैं एग्जैक्टली क्या करने वाला हूँ। तो यहाँ पे एक मैंने प्लाई से इसको लेजर कट करवा के मैंने इस एयरफॉइल को कट करवा लिया है, और इसको मैंने फोम के दोनों साइड पे लगा के इसको हॉट वायर कटिंग किया है। तो मैं आपको जल्दी से एक पूरी प्रोसेस बताता हूँ कि इसमें क्या होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक हॉट वायर कटर है, ये हॉट वायर कटर है, और इसको मैं फोम के दोनों साइड से घुमा के इस पूरे रिंग को हॉट वायर कटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं हॉट वायर कटिंग हो गया है, और आप देख सकते हैं कितना स्मूथ फिनिश मिला है हमें। मैंने इसे तीन टुकड़े कट किए हैं, ये एक टुकड़ा 50 सेंटीमीटर्स का लेंथ में है, तीन तीनों के हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो वो पूरा 1.5 मीटर का एक विंग हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके नीचे हम लोग एक कट कर देंगे, और इसको अभी हम एक स्पार पे लगा के तीनों विंग्स को ज्वाइन करके एक लंबा विंग बना देंगे, और उसके बाद इसको टेप कवरिंग करते हैं। ये जो एयरफॉइल है ये सेलीग 1223 एयरफॉइल मैंने लिया है। ये इसका मेन यूज क्या है कि ये बहुत लो स्पीड पे भी फ्लाई हो सकता है और स्लो फ्लाई हो सकता है, और इससे आपको बहुत ही ज्यादा लिफ्ट मिलेगी। तो उसका एक फायदा रहेगा कि आप इससे ज्यादा पेलोड उस कैरी कर सकते हैं एयरक्राफ्ट के अंदर। और जो मैंने पुराना जो विंग बनाया था वो सेलीग 1055 था, ये देख सकता है फ्लैट बॉटम है, तो इससे क्या रहेगा ड्रैग कम रहेगा, ये थोड़ा स्पीड में भी फ्लाई हो सकता है बट इससे भी पेलोड ज्यादा हो सकता है, और ये ज्यादा जल्दी स्टॉल नहीं होता। तो दोनों ही एयरफॉइल लो स्पीड एयरफॉइल्स लिया है हम लोग ने, और दोनों विंग बना के इसको फ्लाई करके देखेंगे कि कैसा फ्लाई होता है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं मैंने इसको ग्लू कर दिया है, और आप देख सकते हैं कितना मस्त बन गया ये विंग। अभी इसको हम लोग टेपिंग कर देंगे जिससे और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, और उसके बाद इसके ऊपर स्पार भी लगा देंगे। तो यस, हमारा विंग हो चुका है रेडी। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सर्वोस भी माउंट कर दिए है, उसके वायर को भी टेप से सिक्योर कर दिया है, और इधर ट्रेलिंग एज और इधर पे लीडिंग एज पे कोरो का शीट लगा है, जिससे मैं अगर इसको फ्यूजेलाज पे रबर बैंड से टाई करूँगा तो ये पोर्शन मुड़ ना जाए इधर से।
इसलिए मैंने इसको इधर कोरों से कवर कर दिया है। और ये तो हमारा पुराना ही फ्यूजल आ जाए सिंपल स्टिक वाला, तो इस पे अभी हम इस विंग को माउंट कर देंगे और इसकी फ्लाइंग करेंगे। और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको फ्लाइंग वीडियो देखना है तो मैं इसके बाद इसका फ्लाइंग वीडियो भी अपलोड करूँगा, तो मेक श्योर आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब मैं इसका फ्लाइंग वीडियो अपलोड करूँगा।